हेलो। हाँ दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। मैं दिलीप आज आपको बताने जा रहा हूँ मोजले की आवर्षारणी के बारे में। जैसा कि इसके पहले देखते हैं, मैं दिलीप की आवर्षारणी को, जैसा कि आप जानते हैं, मूल आवर्षारणी के नाम से जाना जाता है। मोजले की आवर्षारणी आधुनिक आवर्षारणी के नाम से जानी जाती है। बोहर की आवर्षारणी दीर्घाकार आवर्षारणी के नाम से जानी जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से पुटअप होते देखेंगे। उसके बाद आइए आगे देखते हैं मोजले की आवर्षारणी के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मोजले की जो आवर्षारणी थी वो मेंडलीव की संशोधित आवर्षारणी थी, जो कि आधुनिक आवर्षारणी कहलाती है। मोजले साहब का पूरा नाम H.J. मोजले था या हेनरी जॉर्ज मोजले था। सारणी का जो निर्माण वर्ष था वो 1913 में हुआ था और परमाणु क्रमांक के खोजकर्ता जो थे मोजले द्वारा। उसके बाद परमाणु भार के खोजकर्ता मेंडलीव द्वारा। अब आइए इनका आवर्त नियम देखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आवर्त नियम मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार ना होकर परमाणु क्रमांक होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आगे मोजले की आवर्षारणी। आधार जो था वो परमाणु क्रमांक को माना गया था। क्रम परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम था। तत्वों की संख्या 100 से अधिक थी। आवर्तों की संख्या 7 थी और समूहों की संख्या जो होती है वो 9 थी। और अक्रिय गैसों के लिए 0 समूह जोड़ा गया और सारणी में लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों को समान स्थान दिया गया। अब आइए मोजले की आवर्त सारणी से लाभ देखते हैं, क्या क्या हुआ वो आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मोजले की आवर्त सारणी से लाभ। पहला, परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को तत्वों का मूल लक्षण माना गया। उसके बाद दूसरा, परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों के सभी गुणों की व्याख्या की गई, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। उसके बाद तीसरा, अक्रिय गैसों के स्थान के लिए सारणी में नए समूह को जोड़ा गया, जो कि जिसका नाम था शून्य समूह, यानी अक्रिय गैसों के लिए शून्य समूह जोड़ा गया। चौथा, ये गुणों में समानता तथा असमानता के आधार पर हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं तथा हैलोजनों के साथ रखा गया। उसके बाद पांचवा, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों के लिए अलग से श्रेणियों का निर्माण किया गया। उसके बाद आगे देखिए मोजले की आवर्षारणी से डिसएडवांटेज यानी दोष। तत्वों का जो क्लासिफिकेशन था यानी वर्गीकरण, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नहीं किया गया, पहला दोष। दूसरा, तत्वों को धातुओं तथा अधातुओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया। तत्वों की संयोजकता एवं सक्रियता का निर्धारण नहीं किया गया। हाइड्रोजन के स्थान का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया। थैंक्स दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक नाउ, सब्सक्राइब नाउ, कमेंट नाउ।